हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर 2021 से एक और नए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समझौते की। यहां से आज हम दोस्तों टॉप 40 क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि जनवरी से 30 नवम्बर 2021 तक अपडेटेड हैं। ये वीडियो आपके आने वाली सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा जहां पर करंट अफेयर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। इस वीडियो में आज मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की साथ साथ उनकी डिटेल को भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। मेक माई ट्रिप ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, मेक माई ट्रिप ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ समझौता किया है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। मेक माई ट्रिप ने उड़ान योजना के माध्यम से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ भागीदारी की है। मेक माई ट्रिप अब उड़ान फ्लाइट्स को एयर सेवा पोर्टल पर संचालित करेगा। देखिए, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है उड़ान। उड़ान का फुल फॉर्म यहां पर इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। अब याद रखिएगा, मेक माई ट्रिप, इसकी स्थापना की गई वर्ष 2000 में और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। किस बैंक ने पांडिचेरी को अप मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है SBI, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों को 3 लाख रुपए तक के वित्त पोषण के लिए पांडिचेरी को मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनाइटेड लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऋण SBI बैंक के योनो एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई। किसने रुपए क्रेडिट कार्ड के लिए NPCI के साथ समझौता किया है? देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो बन जाता है NPCI का फुल फॉर्म, वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, इसका आंसर है बॉब कार्ड्स के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी बॉब BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन ने रुपए प्लेटफॉर्म की बॉब क्रेडिट कार्ड EG और प्रीमियम वेरियंट लॉन्च करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI के साथ साझेदारी की है। सिडवी ने MSME के समर्थन के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है गूगल। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है सिडवी को, और इंग्लिश में फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सिडबी ने सब्सिडी वाली ब्याज दरों पर 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता के साथ एक सामाजिक प्रभाव ऋण कार्यक्रम शुरू करने के लिए गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अब याद रखिएगा, सिडवी इसकी स्थापना हुई 1990 और मुख्यालय इसका लखनऊ के उत्तर प्रदेश में है। किस बैंक ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ समझौता किया है? राइट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक ने भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए टाटा स्टील की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फुटबॉल के खेल में SBI द्वारा यह अपनी तरह का पहला समझौता है। बात करते हैं SBI की, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को, मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। NTPC ने अक्षय ऊर्जा को सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सही आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। किसका? NTPC का। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए करने और कम कार्बन यानी कि RIRTC कैप्टिव पावर की आपूर्ति के अवसरों का पता लगाने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करते हैं NTPC की, तो इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट रहती है SSC और रेलवे के स्टूडेंट के लिए, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो NTPC की स्थापना हुई 1975 में, ठीक है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड।
रेलवे में धोखाधड़ी को कम करने के लिए आईआरसीटीसी ने किसके साथ साझेदारी की है? तो राइट आंसर है ट्रू कॉलर इंडिया के साथ। देखिए सबसे पहले याद रखेगा आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड का फुल फॉर्म है, जिसने यानी कि आईआरसीटीसी ने यात्रियों को संचार में अधिक विश्वास प्रदान करने के लिए ट्रू कॉलर इंडिया के साथ भागीदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य रेलवे में धोखाधड़ी को कम करना है। आईआरसीटीसी फुल फॉर्म में आपको बता ही चुका हूं, इसकी स्थापना और याद रखिएगा 27 सितंबर 1999 और मुख्यालय नई दिल्ली में है। कोटक महिंद्रा बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड बीर लॉन्च करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? सही आंसर इसका NPCI। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों यानी कि सेना, नौसेना, वायुसेना के कर्मियों के लिए बीर नाम के रुपए नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए NPCI के साथ समझौता किया है। NPCI अभी इसका फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, बात कर लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इसकी स्थापना ही 2003 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इस बैंक का टैगलाइन है आइए पैसे को सरल बनाएं। ठीक है, इसका टैगलाइन क्या है, आइए पैसे को सरल बनाएं। किसने स्वास्थ्य बीमा की पेशकश के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ करार किया है यानी कि समझौता किया है? तो राइट आंसर है गूगल पे। SBI जनरल इंश्योरेंस ने गूगल पे के साथ तकनीक साझेदारी की है ताकि उपयोगकर्ता गूगल पे ऐप पर SBI जनरल का स्वास्थ्य बीमा खरीद सकें। यह सहयोग स्वास्थ्य बीमा की पेशकश करने के लिए भारत में एक बीमाकर्ता के साथ गूगल पे की पहली साझेदारी को चिन्हित करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। HDFC लिमिटेड और किस बैंक ने होम लोन देने के लिए साझेदारी की है? राइट आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। HDFC लिमिटेड और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने IPPB के 4.7 करोड़ ग्राहक को 650 शाखाओं के अपने व्यापक नेटवर्क और 1.36 लाख से अधिक बैंकिंग एक्सेस पॉइंट्स के माध्यम से HDFC लिमिटेड के होम लोन की पेशकश करने के लिए एक नई रणनीतिक साझेदारी की है। कोटक महिंद्रा बैंक ने काचिंग क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो सही आंसर है इंडिगो। इंडिगो और कोटक महिंद्रा बैंक ने काचिंग नामक एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया है। भारत ने किस देश के लिए 200 मिलियन डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है? तो सही आंसर इसका किर्गिस्तान। ठीक है, भारत ने किर्गिस्तान के लिए 200 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है और मध्य एशिया राज्यों में सामुदायिक विकास के लिए छोटी लेकिन उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए बात करते हैं किर्गिस्तान की, तो इसकी राजधानी है बिश्केक। ठीक है, और मुद्रा है इसकी यानी कि करेंसी किर्गिस्तानी सोम। NPCI ने रुपे ऑन द गो संपर्क रहित भुगतान समाधान लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका यस बैंक। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने निजी क्षेत्र के ऋणदाता यस बैंक के साथ अपनी तरह का पहला रुपे ऑन द गो संपर्क रहित भुगतान समाधान लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है। रुपे ऑन द गो कॉन्टेक्ट लेस सॉल्यूशन मुख्य रूप से वेरिएबल भुगतान समाधान है। जी एंटरटेनमेंट ने किसके साथ मर्जर डील साइन की है? तो सही आंसर है सोनी पिक्चर। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के निदेशक मंडल ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के साथ कंपनी के विलय को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। विलय के एक हिस्से के रूप में SPNI के शेयर धारक SPNI में विकास पूंजी भी डालेंगे जो उन्हें विलय की गई इकाई में बहुसंख्यक हितधारक बना देगी। अगला क्वेश्चन है CBSE किसके साथ मिलकर स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज को लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसरो। इसरो और CBSE के सहयोग से नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने पूरे भारत में स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज शुरू किया है। यह चुनौती देश भर के सभी स्कूल छात्रों, सलाहकारों, शिक्षकों के लिए तैयार की गई है जो न केवल अटल टिंकरिंग लैब्स प्रयोगशालाओं वाले स्कूलों से जुड़े हैं बल्कि सभी गैर ATL स्कूल से भी जुड़े हैं।
एनपीसीआई ने किसके साथ मिलकर यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान के लिए समझौता किया? राइट आंसर है लिक्विड ग्रुप। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने उत्तर एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 10 बाजारों में यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान स्वीकृति को सक्षम करने के लिए लिक्विड ग्रुप पीटीआई लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। एचडीएफसी बैंक ने एमएसएमई को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए किसके साथ एक साझेदारी की है? तो राइट आंसर इसका राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। एचडीएफसी बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई क्षेत्र को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एचडीएफसी बैंक की शाखाएं इन क्षेत्रों में एमएसएमई परियोजनाओं और देश भर के अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में सहायता प्रदान करेगी। भारत ने किस देश के मानव रहित हवाई वाहन की एयर लॉन्च परियोजना के लिए समझौता किया है? राइट आंसर है अमेरिका। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी रक्षा विभाग ने एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल में संयुक्त कार्य समूह वायु प्रणाली के तहत हस्ताक्षर किए गए हैं। POS व्यवसाय के लिए एक्सिस बैंक किसके साथ समझौता किया है? राइट आंसर है भारत पे। एक्सिस बैंक ने भारत पे के साथ भारत स्वीप नाम के भारत पे के पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS व्यवसाय के लिए साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत एक्सिस बैंक भारत स्वीप का अधिग्रहण करने वाला बैंक होगा और भारत पे से जुड़े व्यापारियों के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड की स्वीकृति प्रदान करेगा। यह साझेदारी भारत पे को भारत में अपने व्यापार अधिग्रहण व्यवसाय का विस्तार करने में मदद करेगी। भारत पे ने किस देश के साथ मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? सही आंसर इसका मालदीप। भारत और मालदीप की सरकार ने मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव में अब तक का सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना है। यह परियोजना मुंबई महाराष्ट्र में स्थित भारतीय निर्माण और इंजीनियरिंग फर्म AFCONS द्वारा विकसित की जाएगी। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में 6.74 किलोमीटर लंबा पुल और सेतु लिंक शामिल है जो राष्ट्रीय राजधानी माले को 3 पड़ोसी द्वीपों अर्थात बिल्लेंगली गुलही फाहू और थिलाफुंसी से जोड़ेगा। पेटीएम ने किस बैंक के साथ पेमेंट गेटवे समाधान के लिए समझौता किया? सही आंसर है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक और पेटीएम ने पेटीएम गेटवे पॉइंट ऑफ सेल मशीनों एवं क्रेडिट उत्पादों में व्यापक समाधान बनाने के लिए साझेदारी की है। इसमें पेटीएम पोस्ट पेड शामिल है जो बाय नाउ पे लेटर समाधान EGEMI और फ्लेक्सी पे है। साझेदारी बाजार में उन्नत स्मार्ट हब समाधान भी प्रदान करेगी। किस बैंक ने पैरालंपिक समिति के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर है इंडियन बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने 24 अगस्त से जापान के टोक्यो में शुरू होने वाले पैरालंपिक खेलों में के बैंकिंग भागीदारों में से एक के रूप में भारत की पैरालंपिक समिति के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय नौसेना ने ऑनर फर्स्ट शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? राइट आंसर है IDFC फर्स्ट बैंक। भारतीय नौसेना ने ऑनर फर्स्ट शुरू करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कंपनी यानी कि IDFC फर्स्ट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑनर फर्स्ट भारतीय नौसेना के सेवारत कर्मियों और पूर्व सैनिकों के लिए एक प्रीमियम बैंकिंग समाधान है। किस राज्य की सरकार ने एमएसएमई की मदद करने के लिए वॉलमार्ट वृद्धि के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? राइट आंसर है हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने भारतीय एमएसएमई के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ले जाने के लिए एक मार्ग बनाने के लिए वॉलमार्ट वृद्धि और हक दर्शक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने सामान्य बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए सही पे के साथ साझेदारी की? राइट आंसर है SBI जनरल इंश्योरेंस। भारत की प्रमुख सामान्य बीमा कंपनियों में से एक SBI जनरल इंश्योरेंस ने ग्रामीण बाजारों में बीमा पेट बढ़ाने के लिए मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशन के साथ गठजोड़ की घोषणा की है।
किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने यूपीआई ऑटो पे के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया? राइट आंसर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने ग्राहक को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ऑटो पे सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस देश ने विश्व बैंक के साथ $250 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर है अपने देश भारत ने। विश्व बैंक के दीर्घकालिक बांध सुरक्षा कार्यक्रम और भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूदा बांधों की सुरक्षा एवं प्रदर्शन में सुधार के लिए भारत में $250 मिलियन की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? राइट आंसर है आईआईटी बॉम्बे। इंडियन बैंक ने स्टार्टअप्स और एमएसएमई को विशेष क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने के लिए सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे की एक पहल है। किसने कैश ऑन डिलीवरी भुगतान को डिजिटाइज करने के लिए फोन पे के साथ साझेदारी की है? सही आंसर है फ्लिपकार्ट। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोन पे ने फ्लिपकार्ट के पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर के लिए कॉन्टेक्ट लेस स्कैन एंड पे फीचर लॉन्च करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की। दोस्तों याद रखिएगा, फ्लिपकार्ट इसका मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका मुख्यालय है कर्नाटक के बेंगलोर में। और साथ ही साथ फोन पे का भी मुख्यालय याद रखिएगा, इसका भी मुख्यालय कर्नाटक बेंगलोर में है। आतिथ्य पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो सही आंसर है यात्रा। पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को मजबूत और सक्षम बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने यात्रा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह कार्यक्रम पर्यटन मंत्रालय और भारतीय गुणवत्ता परिषद के बीच एक व्यवस्था के तहत आयोजित किया गया था जहां पर्यटन मंत्रालय यात्रा टाई अप के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। बजाज आलियांज जनरल ने बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? राइट आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने बैंक ऑफ इंडिया ने 5084 शाखाओं के बैंक नेटवर्क के माध्यम से बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के उत्पाद के वितरण के लिए एक कॉरपोरेट एजेंसी के साथ समझौता किया है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किसके साथ 499 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो सही आंसर है भारतीय वायुसेना। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना को आकाश मिसाइल के निर्माण और आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते की कुल कीमत लगभग 499 करोड़ रुपए है। जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित करने के लिए किस देश ने भारत के साथ $1.3 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर है नेपाल। नेपाल ने पूर्वी नेपाल में संखखबुसभा और भोजपुर जिलों के बीच स्थित 679 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत के साथ $1.3 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लद्दाख ने 2025 तक यूटी को ऑर्गेनिक बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? राइट आंसर है सिक्किम। केंद्र शासित लद्दाख ऑर्गेनिक लद्दाख प्रशासन ने सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 2025 तक लद्दाख को ऑर्गेनिक में बदलने के उद्देश्य से लद्दाख क्षेत्र में परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव के कार्यान्वयन के संबंध में लद्दाख और सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने से जुड़ी चल रही विकासात्मक पहल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर है नाबार्ड। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने से जुड़ी चल रही विकासात्मक पहल को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
किस बैंक ने भारतीय नौसेना के वेतन खाते के लिए समझौता किया? राइट आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। भारतीय नौसेना ने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ अपने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के वेतन खातों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बैंक कथित तौर पर भारतीय नौसेना को विशेष वेतन खाता लाभ प्रदान करेगा। एमएसएमई सह उधार के लिए यू ग्रो कैपिटल ने किस बैंक के साथ समझौता किया? तो सही आंसर इसका बैंक ऑफ बड़ौदा। यू ग्रो कैपिटल एक गैर बैंक फाइनेंसर और राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ बड़ौदा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को सह ऋण देने के लिए भागीदारी की है। सह उधार कार्यक्रम के तहत प्रथम बैंक ऑफ बड़ौदा और यू ग्रो मिलकर एमएसएमई को 1,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित करेंगे। सीआरपीएफ ने उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर है सीडैक। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने उन्नत प्रौद्योगिकियों यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजीज में बल की जनशक्ति को प्रशिक्षित करने और संयुक्त परियोजना को शुरू करने के लिए उन्नत कंप्यूटिंग सीडैक के विकास केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मारुति सुजुकी ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किस विश्वविद्यालय से समझौता किया है? क्वेश्चन है, मारुति सुजुकी ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? सही आंसर है सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के साथ। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने युवाओं को ऑटोमोबाइल रिटेल में प्रशिक्षित करने के लिए महाराष्ट्र की सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की घोषणा की है। बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने किसके साथ एयरपोर्ट इन ए बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो सही आंसर है दोस्तों आईबीएम। बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट इन ए बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए आईबीएम कंपनी के साथ 10 साल की साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।